तरह के वीडियोस और पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और घंटी जरूर दबाइए। कुंडली के वह योग जो व्यक्ति को बनाते हैं धनवान, आज धन हमारी मौलिक आवश्यकता बन चुका है। धनवान व्यक्ति की इज्जत समाज में बहुत होती है और इस प्रकार के व्यक्ति की बात भी सभी सुनते हैं। वैसे तो व्यक्ति का असली धन उसकी बुद्धि और विवेक भी है। शास्त्र इस बात को इस तरह कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी का साथ एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति खुद को भाग्यशाली समझे। धनवान होने के लिए भाग्य का साथ बहुत जरूरी होता है। धन की प्राप्ति के लिए कुंडली में कुछ योग बताए गए हैं। यह योग व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होने से थोड़े से ही प्रयास से धन प्राप्त होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि उन कुंडली योग के बारे में जो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। कुंडली में धन का स्थान दूसरा घर बाद 11वां घर माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली इन दोनों घरों में अंदर मंगल और सूर्य के साथ विराजमान हो तो वह व्यक्ति एक सफल व्यवसायी बनता है। इस योग वाले व्यक्ति के पास धन प्रचुर मात्रा में रहता है। अगर कुंडली में दशम स्थान पर बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठे हो या चंद्रमा व मंगल एक साथ बैठे हो तो यह गज केसरी और लक्ष्मी नारायण का योग बनाते हैं। इन दोनों योग वाले जातकों के पास धन बहुत हल्के व कम प्रयास से भी आ जाता है। इन जातकों की आय अधिक होती है और व्यय भी कम होता है। इन योग से प्रभावित व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अगर किसी जातक का सिंह लग्न में दशम स्थान पर सूर्य और बुध हो तो यह बुधातित्व योग बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह योग व्यक्ति को धनवान बना देता है। जन्म कुंडली में दशम स्थान में सूर्य और बुध एक साथ युक्त हो तो यह योग बनता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति अति बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। इस प्रकार के जातक बहुत ही कम समय में चर्चित हो जाते हैं। इनको मान सम्मान भी बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। मीन लग्न में दशम स्थान पर अगर बृहस्पति और चंद्रमा भी एक साथ विराजमान होते हैं तो कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग बनता है। यह योग भी व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा महाराजाओं की तरह होता है। नाम काम मान सम्मान और प्रॉपर्टी इन जातकों के पास प्रचुर मात्रा में होती है। पंचम भाव में अगर मेष या वृश्चिक का मंगल हो और लाभ में शुक्र स्थित हो तो व्यक्ति का धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसी तरह पांचवे घर में सिंह के सूर्य हो और लाभ स्थान में शनि चंद्र शुक्र से युक्त हो तो इस योग का जातक धनी होता है। दूसरे स्थान पर चंद्रमा की स्थिति होने पर धनवान होने की प्रबल संभावना होती है। इस प्रकार के जातकों को जीवन में धन संबंधित समस्या नहीं रहती है।